बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी नाज़रीन, ये जो है ना मेरे पीछे जो जगह आप देख रहे हैं, ये है मंसूब, ये है कि ये सहाबा के मकानात थे, जो सहाबा रहते थे ना, ये कहते हैं ये उनके मकानात थे। और ये मोहल्ला, ये जो है ना तारीखी मकानात भी कहलाते हैं। और इस वक्त इसकी जो सच्चाई की सबूत जो मिलता है ना, वो ये है कि आप देखें इर्द गिर्द कितनी बिल्डिंगें बन चुकी हैं, कितना कुछ बन गया है, लेकिन अभी भी इन मकान आदि को नहीं उन्होंने छेड़ा। इसके इर्द गिर्द बाड़ लगाई हुई है और यहाँ पर जो है वो तज़य्यनों और आराय जारी रखते हैं और ये गिराते नहीं है। नाज़रीन, हरम शरीफ के 310 नंबर गेट से अगर इंसान बाहर निकले, बाबुस्सलाम और शाराए इस्लाम कहलाता है, तो थोड़ा सा आगे आएं तो किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि सहाबाए कराम के मोहल्ले में मैंने जाना है, तो आपको इस जगह की निशानदही आसानी से मिल जाएगी। अगर आप मदीना पाक में हर वो जगह देखना चाहते हैं जो मंसूब है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या सहाबा कराम से, या अहले बैत अतहार सलामुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से, तो आप कारवान मदीना की वीडियो देखते रहा करें ताकि आपको हर उस जगह के बारे में मालूम हो जाए जो मदीना पाक में तारीख़ी है। तो ये वही घर हैं और इसके इर्द गिर्द उन्होंने बाड़ भी लगाई है ताकि इसको महफूज किया जा सके। सऊदी हुकूमत अब तारीख़ी चीज़ों को महफूज कर रही है और उनके बारे में लोगों को अब आगाह भी किया जा रहा है। यानी अब जो है आप मदीना पाक में या मक्का पाक में तारीख़ी चीज़ों को और मकामात को आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि सऊदी हुकूमत टूरिज़्म पर बड़ा ही अच्छा इकदाम कर रही है। यह गवर्नर हाउस है, इसके बिल्कुल सामने, ये भी याद रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें बार बार मदीना की हाज़री नसीब फरमाए।